हम लोग दो दिन रुके नैनीताल के स्टर्लिंग रिजॉर्ट में और मस्त नैनीताल घूमा। चाहे वो बादलों के अंदर हो बोट चलाना या खतरनाक सीनरी वाला जिपलाइन करना। इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि मॉनसून के टाइम पे अगर नैनीताल आते हो तो कहां कहां घूम सकते विद फैमिली विदाउट एनी हैसल। डे वन को हम लोग निकलते हैं ब्रेकफास्ट करके अपने रिजॉर्ट से और जाते हैं अपना फर्स्ट पॉइंट विच इज द हिमालय दर्शन व्यू पॉइंट। तो दोस्तों हम लोग अपने पहले स्पॉट पे आ गए हैं हिमालय दर्शन। थोड़ा 6 किलोमीटर अपहिल है, हम लोग नैनीताल के मॉल रोड से होते हुए जाते हैं एंड यहाँ से आ जाते हैं। यहाँ से बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है, चाय मैगी भी मिल रहा है। तो यहाँ पे आके थोड़ा रिलैक्स कीजिए, इट्स अ काम एंड प्लेजेंट वेदर। और बादलों के भीतर से घुसते हुए आए हैं। एक चीज़ ध्यान में रखना कि यहाँ के रूट इज़ नॉट चौड़ा चौड़ा, मतलब शिमला मनाली की तरह बड़े बड़े रोड नहीं है। तो अगर बड़े गाड़ी से आ रहे हो तो, और अगर ड्राइविंग का उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, बेटर आई विल सजेस्ट कि टैक्सी वैक्सी ले लेना। तो हम लोग अपने सेकंड स्पॉट आ चुके हैं नियर नैनीताल लेक। अभी जा रहे केबल कार करते, भाई इतना ज़्यादा भीड़ था, पार्क करने में गाड़ी हमें 20 से 25 मिनट लग गई एंड दिस इज़ ड्यूरिंग द लो सीजन टाइम। ये पार्किंग के अंदर दुकानें बैठा के रखी हैं, लोकल शॉप्स, पुलिस आके बोल रही है कि उठाओ, इतना टाइम यहाँ पे फालतू का इलीगल शॉप्स मत लगा के रखो, लेकिन इन लोग लगा के रखे हैं। इसके कारण से पार्किंग में जगह की कमी हो रही है, जिसके कारण से हमें इतना टाइम लग गया पार्क करने में, बट फाइनली हमने कर दिया है पार्किंग। अब जाएंगे हम लोग केबल कार का एक्सपीरियंस लेके। भागो 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 भागो, हाँ एक्चुअली 2:30 बज रहे, तो हमने सोचा कि रोप पे करने से पहले यहाँ पे एक अच्छा सा कैफे दिखा, कैफे हिमालय, यहाँ पे आके वी विल डू सम लाइट लंच, हैव सम गुड फूड। आइसक्रीम लगाओ एंड हेवन इटर्नल ब्लिस। रोप पे आ गया, खा लिए भाई हम लोग वहाँ पे मस्त। मैंने वॉफल लिया, बहुत टेस्टी था, भले थोड़ा सा क्रिस्पीनेस कम थी लेकिन बहुत अच्छा था। बाकी भी सिजलिंग ब्राउनी वगैरह भी अच्छा था। उसके बाद हमारा कंटिन्यूस ट्रिप चलेगा टिल द इवनिंग, है ना अद्रिक? चलो नाच नाच के चलेंगे हम लोग, रोप वे में चढ़ेंगे, है ना? और वहाँ रोने का नहीं है अद्रिक, ठीक है? देखो कैमरा में देख के बोलो हेलो। चढ़ रहा है आदविक, थोड़ा सा चढ़ाई है ऊपर। रोपवे तक जाने के लिए बाहर तो लिखा था 300 रुपीज़ पर पर्सन टिकट, ऊपर ले जाते हैं स्नो व्यू पॉइंट तक। वहाँ स्नो व्यू पॉइंट में वी हैव सम टाइम अराउंड 1 आवर, वहाँ पे बैठ के वी कैन चिल। अपने पहले ट्रॉली एक्सपीरियंस में चढ़ते हुए आद्विक भैया हमारे, आ गए ऊपर व्यू पॉइंट में मस्त सा नैनीताल लेक का व्यू देखते हुए। छोटे छोटे बोट्स इतने सारे घूम रहे थे, देख के बहुत ही ऑसम सा व्यू था और अलग टाइप का रोपवे एक्सपीरियंस था। पहली बार स्टैंडिंग रोपवे से चढ़ के आए एंड यू कैन मूव अराउंड, जनरली नहीं तो रोपवे में ये लोग आगे पीछे घूमने नहीं देते। इट वाज ओनली अ शॉर्ट 3 मिनट राइड, बट कसौली में जितना महंगा किया था उसके अकॉर्डिंग तो ये सस्ता ही है, 300 रुपीज़ अप एंड डाउन, मतलब 150 रुपीज़ पर साइड। मेरे को इसकी म्यूजिक
बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पे छोटे मोटे दुकानें हैं जहाँ से आप कुछ कुछ सामान सुवेनिर्स वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक व्यू पॉइंट है जहाँ से नैनीताल लेक दिखता है, वहाँ पे फोटोज खिंचा सकते हैं। एंड यहाँ पे एक छोटा सा फूड कोर्ट है, यहाँ पे मैगी पकौड़े चाय वगैरह मिलते हैं। तो हमने थोड़ी बहुत फोटोज खिंचाई, अब यहाँ पे आके चाय पियेंगे एंड फिर वी विल हेड टाउन। वाह, ये प्लेस अच्छा है, शांत सा है, ज़्यादा लोग नहीं है। इट्स अ नाइस प्लेस टू स्पेंड सब क्वालिटी टाइम व्हेन इन नैनीताल। यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, जैसे आप गो कार्टिंग भी कर सकते हो, छोटा सा जिपलाइन भी है, ट्रामपोलिन है, बम्पिंग कार बम्पर कार्स हैं। हम लोग तो अभी जा रहे हैं नीचे, बोटिंग करेंगे। 2 बजे से चढ़ रहे, 5 बज रहे हैं और अभी जाएंगे हम लोग बोटिंग करने। आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट आइडियल टाइम टू डू बोटिंग। वेदर भी प्रेजेंट होता है, होपफुली अच्छे लेंथ का रहा तो हमें सनसेट देखने को मिल सकता है। वैसे तो इधर पूरा क्लाउडी वेदर हो रखा है तो आई डोंट थिंक सनसेट तो दिखेगा। जिस चीज़ के लिए नैनीताल इज़ द मोस्ट फेमस, जिस चीज़ के अराउंड पूरा टाउन स्थित है, उसी के अंदर हम लोग जाते हैं, बोट में बैठते हैं एंड घूमते हैं। क्या हुआ? स्थित 210 का हाफ राउंड होता है एंड 420 का पूरा राउंड। 210 में 20 मिनट का राइड होगा एंड 420 रुपए में आपको पूरा 40 मिनट्स का राइड मिलेगा। तो हमने वही लिया है, एक बोट में मैक्सिमम 3 लोग अलाउड है तो हम लोग 4 है, तो वी आर टेकिंग 2 बोट्स। बाय। ये बहुत क्लीन पानी है भैया बता रहे थे, यही पानी फिल्टर होके पूरा नैनीताल में भेजा जाता है और यही लोग ड्रिंकिंग वाटर एंड हाउस होल्ड यूसेज वाटर का नाम से यूज़ हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो बोटिंग होती है वो सिर्फ चप्पू वाली बोटिंग होती है, देयर इज़ नो मोटर एंड स्पीड बोट, इसीलिए नीचे फिशेज भी थ्राइव करते हैं और ये पानी भी क्लियर है विच इज़ यूज फॉर द एंटायर ड्रिंकिंग। सो इट्स ये लेक के अराउंड सिर्फ टाउन ही स्थित नहीं है, ये लेक के ऊपर पूरा टाउन भी डिपेंडेंट है। बोट 8 जगह से चलती है। अच्छा, ये देखिए बोट स्टैंड है उधर भी है, यहाँ के पीछे भी स्टैंड है, उधर भी स्टैंड है, 4 स्टेशन इधर है, 4 उधर है। अच्छा, वो तो आपको कहना है मान लो तो बोटिंग करनी, बोट वाला पीछे से खड़ा हो तो रही से आ जाओ। जैसे मैंने कहा तो रही से आ जाओ। पापा के ऑफिस का हॉलीडे होम उसी एरिया के आसपास था कहीं पे। मुनमुन रानी गई है चलाने बोट। कम ऑन चलो। अरे रुद्रा ऐसे तो एक्सरसाइज हुई नहीं, ऐसे एक्सरसाइज करो पूरा प्रेशर निकल आएगा। सही है रुद्रा, लास्ट तक पहुंचाओ, चलो चलो चलो। भैया भी सोच रहे होंगे बहुत दिन बाद हम बैठे हैं कुछ व्यू देख पा रहे हैं। जोर लगा के आयशा वाह, रोडीज का टास्क है, चलो 2 बहुत बढ़िया। यही मैं तो बोलूंगा, अभी तक जितने सारे एक्सपीरियंसेस लिए हैं ना यहाँ नैनीताल में, उसमें से बेस्ट एक्सपीरियंस था बोटिंग। और बोटिंग में ना पूरा फुल राउंड का लेना जो कि 420 रुपये पड़ता है, उससे क्या होता है ना कि 40 मिनट्स का राउंड होता है, 40 मिनट्स से तो इजीली आई वुड से हमारा 1 घंटा लग गया। एंड द गाइड एंड द रोअर वाज हैविंग अराउंड 22 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, उसने मस्त कहानियाँ सुनाई, मस्त स्पॉट्स दिखाए और इतना सीनिक ब्यूटी था और इतना काम पीसफुल था, मतलब मज़ा ही आ गया। आधविक तो दूसरे वाले बोट में सो ही गया, मस्त घूम रहे, थोड़ा बहुत गुरुद्वारा का विजिट किया, लाइफ में फर्स्ट टाइम आई वेंट टू अ गुरुद्वारा। और देख रहे हो कितने चकाचौंध है, दिस इज़ ऑफ सीज़न, टिपिकली ऑफ सीज़न टाइम है, सितंबर का महीना है एंड लेकिन स्टिल देखो कितने लोग भरे पड़े हैं। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये है नंदा देवी टेम्पल, यहाँ का बहुत फेमस टेम्पल है, तो वहीं पर हम लोग फाइनली आए। इट्स वेरी पीसफुल इनसाइड, यहाँ से आप देख रहे हो पीछे लेक साइड व्यू है एंड ये पीछे टेम्पल है। टेम्पल में वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है तो इसलिए आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, हम यहीं पे खड़े होकर बता रहा हूँ। टाइम स्पेंड करना है आफ्टर द एंटायर डे, आप इधर टेम्पल में आइए, कुछ देर 15-20 मिनट वेट कीजिए। ये इधर झील है।
एंड दिन का आखिरी स्पॉट से डे एंड करो विच इज द मॉल रोड ऑफ नैनीताल। कुछ शॉपिंग करो लाइक मोमो जो ये मस्ट क्यूट एंड यूनिक पिकाचू टोपी ली पिकाचू या फिर ये लिट एरिया में जस्ट टेक अ वॉक और एंजॉय द लिट नैनी लेक एट नाइट। कल जाएंगे हम लोग भीमताल और ये वीडियो कंटिन्यू रहेगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।